नमस्कार, खेड़ा के नडियाड से आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आज हम नडियाड से गुजरात के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। और आज बड़ी बहस का मुद्दा है, राम नाम का प्रसाद किसको मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको जल्दी से खेड़ा के सुनहरे इतिहास के बारे में बता देते हैं। चंपारण और खेड़ा दो जगहों पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल बीत चुके हैं, वो अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो अगले साल खेड़ा का शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा। और यही वो धरती है जहां से सरदार पटेल ने कदम से कदम मिलाकर महात्मा गांधी के साथ चलना शुरू किया था। और उसके बाद किसानों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और फिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। लेकिन आज खेड़ा क्या विकास की बाट जोह रहा है, खेड़ा में कितना विकास किया है बीजेपी की सरकार ने, यहां पर किसकी बह रही है बयार और राम जी करेंगे किसका बेड़ा पार, इसी पर होगी बड़ी बहस। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंच पर। तो वहीं तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता हमारे साथ शाना एनसी मौजूद है। इन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। लेकिन राम नाम की राजनीति किस तरह से गुजरात के चुनाव में हावी हो चुकी है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी का ये बयान सुनिए और उसके बाद बड़ी बहस में हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक पात्र थे कपिल सिब्बल, काले जैने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ना मुद्दे केस चलतो तो त्या जीने भांगरो वाट्यो, केस एम के चलाओ नहीं केम तो 2019 में लोकसभा की चूंटनी पछी चलाओ। तमे मने को भाई आ अयोध्या राम मंदिर ने चूंटनी ने शुकरवा भेगी करो छो, मारे सुन्नी वकफ बोर्ड एमने अभिनंदन आपवा जेमनो आभार मानवो छे। आजे सुन्नी वकफ बोर्डे निवेदन कर्यो के कपिल सिब्बले गई काले अमारा वकील हता, पण एमणे जे कोर्ट में जेने कर्यु छे ए खोटू कर्यु छे। सुन्नी वकफ बोर्डे कह्यु के अमे तो इच्छीए छे के न्यायपालिका द्वारा एक न्याय आवे ने समस्या नुं समाधान थाय। अरे जे देश में शिया वकफ बोर्ड, सुन्नी वकफ बोर्ड, राम मंदिर वाला बद्दा भेगा थईने रस्सो काढवा निकळ्या होय त्यारे आ हवन में हाड़का नाखवानुं कांग्रेस बंद करे, एमना नेताओं बंद करे अने रस्ता निकलता हो तो काढ़ीने शांति थी देश एक बनीने आगळ वधे एना माटे काम करवानुं होय, एमां रोड़ा अटकाववानुं काम कर रह्या छे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं। हार को सामने देख, जनता के गुस्से को सामने खड़ा देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात और देश को भटकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर का घोर अपमान अगर कोई कर रहा है गुजरात के चुनाव में तो वो माननीय नरेंद्र मोदी स्वयं है। मंथरा की भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी केवल ध्रुवीकरण और बंटवारे की राजनीति करती है ताकि उसे गुजरात के मुद्दों पर जवाब ना देना पड़े। जबरदस्त तरीके से हुई है राम नाम की एंट्री। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसको मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां बड़े मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। इसके माने क्या निकलेंगे, जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी आपसे ही ये सवाल, बुरी तरह से घेर दिया है कपिल सिब्बल ने आपको, जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कांग्रेस के लिए। ये आप लोगों का अपना एजेंडा होगा, वकील के तहत कांग्रेस का एजेंडा क्या आप लोग? हमारा एजेंडा गुजरात का बेहतरी है, गुजरात का विकास है, गुजरात का गौरव है। मंदिर मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी, उधर कपिल सिब्बल अलग बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं विकास है एजेंडा कांग्रेस। थोड़ा बोलने दें, ये धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, बीजेपी के लिए व्यापार का विषय है। और बीजेपी जो मंथरा की भूमिका निभा रही है कि राम वनवास से वापस ना आ जाएं, नहीं तो इनकी गद्दी चली जाएगी। नहीं तो ये 2019 में क्या जरूरत है कपिल सिब्बल को कहने की कि 2019 के चुनावों के बाद ही इस पर सुनवाई। बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी मंथरा की भूमिका निभाना बंद करें, कोर्ट में एफिडेविट दें केंद्र सरकार के तरफ से
कि जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? वो खुद चाहती है कि राम मंदिर टाट में रहे, ये ठाट में रहे। जिस दिन राम वनवास से वापस आ जाएंगे इनकी गद्दी चली जाएगी। इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। राम जी टाट में रहे, आप ठाट में रहे, और ये मंथरा की भूमिका निभा रही है क्या बीजेपी? और ये अवसरवाद निकले, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, एक ही प्रतिक्रिया है। ये भावना है लाखों करोड़ों भारतीय नागरिक का, जो ये मैटर कोर्ट में है तो जल्द से जल्द सुनवाई के निमित्त एक कंसेंसस। नहीं शायना, लेकिन सवाल यह है, विकास पर आप लोग चले थे, विकास से गिरे कहां पर अटके? बीजेपी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो विकास पर चुनाव लड़ रही है या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर? हमने सिर्फ विकास 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 के ऊपर लड़ के एक ही स्पष्ट प्रतिक्रिया जनता की तरफ से, एक स्थिर सरकार, एक नेतृत्वशील सरकार, और एक सरकार जो विश्वास के साथ काम करते रहे। तो कहां ये बातें आ रही हैं अब सामने? अब तो राम जी आ रहे हैं सामने। देखिए कौन सामने ला रहे हैं, कभी कभार एक वकील, कभी कभार एक नेता। कौन है ये व्यक्ति? उनको पूछिए कि उनकी राजनीति क्या है। सुन्नी वफ बोर्ड, शियाज इस देश के, हिंदूज इस देश के, सभी बोल रहे हैं सुनवाई, और वो जाके बोलते हैं कि 2019 लोकसभा के बाद इसका निर्णय किया जाए। इसका मैं जवाब लेती हूँ। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो साफ कर दिया है, उसने तो मना कर दिया कि हमने तो ये कहा ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमका रही है क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने? आपका चैनल झूठ बोला, गलत बात, अखिलेश जी गलत बात, अखिलेश जी गलत बात, देखिए गलत बात। सुनिए, मैंने अभी बात की उस व्यक्ति से बात, मतलब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, है ना? अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ये राम भक्त नहीं है, ये नाथू राम भक्त हैं। ये राम के नाम पे चंदा लिए मंदिर बनाते हैं, नाथू राम का बनाया कि नहीं बनाया? और आप कहते हैं 2019 के बाद हो सकता है। राम के नाम पे चंदा लिया और चंदा खा गए। जो इन्होंने जो लोग निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने आरोप लगाया है कि 1400 करोड़ रुपए चंदा खा गए बीजेपी वाले। चलिए जवाब ले लेते हैं, राम जी का चंदा खा गए बीजेपी वाले, ये आरोप लगा रही हूँ। आप इनको पूछिए कि इनके राहुल जी कितने बार गए हैं मंदिर, इसका जवाब उनको। मंदिर मंदिर तो घूम रहे हैं ना, गुजरात में तो घूम ही रहे हैं, दो दर्जन है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, और वो जो कर रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति 60 साल से वो करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विश्वास के साथ मिलाइए मत ये दो मुद्दे, विकास का मुद्दा अपने जगह। गुजरात में जो प्रगति हुई है 22 साल में, और जो ऐतिहासिक प्रगति होने वाली है 27 साल में, तो फिर उससे आप लोग पीछे हट गए ना, फिर तो इससे आप पीछे हट गए। जनता जानती है, जनता जानती है इसका। लेकिन 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 नहीं, अखिलेश जी, अखिलेश जी देखिए, आप आरोप भी लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर। बात हुई, नहीं नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए, किससे बात हुई, किससे बात, उस व्यक्ति से बात हुई, किस व्यक्ति से बात, जिसने ANI ने रिपोर्ट, आप नाम तो बताइए किस व्यक्ति से। हाँ जी, जिसकी आप लोग बाइट सुना रहे हैं हाजी महमूद, वो उस बोर्ड का मेंबर ही नहीं है। कहिए है मेंबर, वो एक पेटिशनर है, और उसने ये बात भी नहीं कही है। आप लोग कट पेस्ट करके, हमारे संवाददाता ने खुद बात की है अखिलेश जी, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। रणवीर सिंह हमारे संवाददाता ने खुद चैनल नहीं, मैं वो नहीं, 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 एक चीज बताई, नहीं नहीं एक चीज बताई, अच्छा ठीक है, आज स्पष्ट कर दीजिए अखिलेश जी, आप स्पष्ट कर दीजिए, कपिल सिब्बल कांग्रेस के वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे या सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट गए थे? ये किसका वकालतनामा हुआ लगा है? कांग्रेस पार्टी है क्या ये आपको अभी तक नहीं पता? अखिलेश जी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसे बहुत जरूरी हो जाता है कि देश की जनता जान जाए कि आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष इस पूरे मामले पर क्या सामने आया है। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। बाबरी विवादित ढांचे की 25वीं बरसी के मौके पर बात करने के लिए मेरे साथ हाजी महबूब साहब हैं। महबूब साहब, 25वीं बरसी है, सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होनी थी, लेकिन आप लोगों के पक्ष के रखने वाले वकील कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 2019 के बाद सुनवाई हो, आपका क्या मत है? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, शुरू से आज भी चाहता हूँ ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। और सिब्बल साहब ने किस अंदाज से उन्होंने कह दिया कि 2019 में के बाद सुनवाई हो, इसको मैं गलत समझता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये मसले, आज 25 साल गुजर गया, डे टू डे हेयरिंग आज हाई कोर्ट में होता था, मैं डेली जाता था, मेरे सामने हर चीज़ हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 92 की तारीख फिर दोहराई जाए, क्योंकि वो मंजर ना आप देख पाएंगे ना मैं अब देख पाऊँगा। मैं चाहता हूं कि इस मसले को जल्द से जल्द हो जाए। सिब्बल साहब ने जो किया है, वो चाहे अपने कांग्रेसी नेता भी हैं, मेरे वकील ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बात हम लोगों को तक ये नहीं थी, बात मालूम नहीं थी कि वो ऐसी बात करेंगे। मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द
सुप्रीम कोर्ट में ये मसला हल हो और जल्द से जल्द इसका फैसला हो। वो तो कह रहे हैं हाजी महबूब साहब को आप सुन रहे थे। अयोध्या में, सरयू में और अहमदाबाद में, साबरमती में बहुत पानी बह चुका है अखिलेश जी। आप कम से कम इस बयान से तो स्पष्ट आपका सर आप चैनल पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप कह दे कि सुन्नी वो बोर्ड के, अरे हमने कहा कि हमने तो सुना दिया है देश की जनता को। आप ये मतलब उन्होंने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये स्टैंड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये स्टैंड है। आप एक लाइन रट कराए हैं, आप वही उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला रिपीट कर, उन्होंने बोला चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको इतनी दूर से बुलाया, छोड़ के जाने के लिए तो अखिलेश जी को नहीं बुलाया गया है। गलत बात अखिलेश जी, गलत बात। वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर, अच्छा कांग्रेस का स्टैंड बताइए ना, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के नेता हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं? पार्टी नहीं है। हाँ। पार्टी 2019 तक इस मामले को टालना चाहिए, नहीं टालना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जिसके जो वकील हैं हाँ। वो जाने और वकील जाने। अरे कपिल सिब्बल देश के कानून मंत्री रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, आप उनकी व्यक्तिगत राय कैसे कह सकते हैं? तमाम मुद्दों में अरुण जेटली जी कि 10 केंद्रीय मंत्री बीजेपी की आज भी वो केल वकालत है। और ऐसे ऐसे मुकदमों के आतंकवाद से लगाए, इंदिरा गांधी की हत्या से लगाए और भोपाल गैस कार्सी से लगाए, तमाम आतंकवादी और नारे मुद्दे आपने गिना दिए। जो मुद्दा आपसे पूछ रहे हैं उसके बारे में आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लोगों के सवाल खड़ू जी मैम, मेरा प्रश्न अखिलेश जी से है। अखिलेश जी, आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डाला था कि राम है ही नहीं, राम एक काल्पनिक पात्र है, आज आपको राम ये कैसे याद आ गए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, मौसम की तरह बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों बदल जाती है? देखिए ये लोग आधा अधूरा जानते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। वो भी झूठ बोल रही है, अब वो भी झूठ बोल रही है। मैं जब बोलता हूँ तथ्य देता हूँ, मैं हवा में नहीं बोलता, मैं हवा में कोई बात नहीं कर। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, शत्रुघ्न सिन्हा मंत्री थे, उन्होंने यह एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक हैं। उसके बाद इस लेटर पे उमा भारती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पत्र लिखा था, आपत्ति की थी। अखिलेश जी, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही रहते हैं क्या? मैं तो तथ्य के साथ दे रहा हूँ, वो बताइए गलत है, अगर कहे कोई गलत है तो फिर बात करिए। चलिए उनके सवाल का जवाब था, कुछ और लोगों के सवाल हम ले लेते हैं। आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आगे आइए, क्या है सवाल बताइए। हार्दिक का वकील कपिल सिब्बल, राम मंदिर के विरुद्ध में वकील कपिल सिब्बल, ट्रिपल तलाक का वकील कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक के दल में एक राष्ट्र विरोधी की ताकत का दल बन चुका है, इसका जवाब दीजिए। अखिलेश जी, आपके लिए ही ज्यादा सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, बताइए। जितने आतंकवादी इस देश में पकड़े गए हैं उस सब का वकील राम जेठमलानी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहे हैं, जितने भी। और मैं एक बात और बता दूं, बड़ा अच्छा नाम लिया हार्दिक पटेल का, अपना हक मांग रहा था वो नौजवान, वो राष्ट्रद्रोही है क्या? वो राष्ट्रद्रोही है हार्दिक पटेल, राष्ट्रद्रोही है क्या? उसको राष्ट्रद्रोह में बंद किया गया, ये क्या? अपना हक गुजरात का नौजवान अगर मांगेगा तो मोदी जी की 22 वर्ष की हुकूमत। राम जेठमलानी अब तो, राम जेठमलानी अब तो एमपी है लालू जी की पार्टी से, आप लोगों ने समर्थन किया और उन्हीं राम जेठमलानी को लेकर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बहुत से नेताओं का नाम गिना सकता हूँ जो सहारा श्री, उनका मुकदमा कौन लड़ा बीजेपी में कैबिनेट मंत्री, अभी भी लड़ रहे हैं जेल में, ऐसे मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक है, एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे, तीन आपकी ओर भी इशारा करेंगे, लेकिन शायना बताइए जल्दी, गुजरात के बारे में चर्चा कीजिए, आप देश भर घूम करके फिर वापस आते हैं, यही तो दिक्कत है ना, बीजेपी भी तो यही नहीं कर रही है, बीजेपी गुजरात में रहते रहते बार बार अयोध्या घूम के आ रही है। एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने या ना बने, आप कंसेंसस चाहते हैं या नहीं, या आपके ये वकील जो कभी कभार मामला अगर ये कोर्ट में है तो उनके चाहने नहीं चाहने से क्या होगा? तो क्यों बोले कि 2019 के बाद, लोकसभा के बाद ही होना चाहिए, जब बहुमत है, जब सुन्नी शिया जितने भी हिंदू लीडर्स हैं सभी बोल रहे हैं कि कंसेंसस के निमित्त जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, वहां वो डोल डोल, उनको पता नहीं कि ये वकील उनके है या नहीं, ये नेता उनके है या नहीं, जो लोगों को गुमराह करना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है, जो उन्होंने 7 साल किया वो करते आ रहे हैं, उनके राहुल गांधी जो ट्रायल और आप जो 1991 से कर रहे हैं वही अभी करते चले आ रहे हैं, देखिए वही राम नाम, हम वही चुनाव,
हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनका है जो एक परिवार ही चलाता है। हमारा एक लोकतंत्र प्रजातंत्र के निमित्त सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी, क्या इस बात का डर है कांग्रेस पार्टी को क्या कि राम का जो मुद्दा है वो हाथ से निकल गया? आप कितना भी मंदिर मंदिर राहुल घूमे वो मुद्दा पकड़ नहीं पा रहे हैं आप? इतना हम नाथू राम से नहीं के भक्तों से नहीं डरते, ये कोई सुविधा के राम भक्त है, ये सिर्फ नाथू राम के भक्त है। और ये लोग गुजरात का विकास सिर्फ शाहजादा के विकास को ही गुजरात का विकास मान लेते हैं। अच्छा चलिए, आपने अमेठी मॉडल पे भी एक लाइन हो जाए, एक अमेठी मॉडल पे भी एक लाइन हो जाए, एक लाइन जितनी देर बहस कर लो अमेठी का, एक कितना हुआ है विकास गिनाना शुरू करूं? अरे गिनाना क्या, जानते हो इंडो कर्व जानते हो कहाँ पे है अमेठी कहाँ? आज ही स्मृति ईरानी ने कहा है कि ट्रेन का इंतजार लोग करते हुए चले गए। बाप पूछो तो जवाब ले लो। स्मृति ईरानी ने ट्रिपल आईटी 10 साल से चलता ट्रिपल आईटी बंद कराया, स्मृति ईरानी ने 10,000 करोड़ का हिंदुस्तान पेपर बंद कराया, स्मृति ईरानी ने 3,000 करोड़ का फूड मेगा पार्क बंद कराया, और स्मृति ईरानी ने कई इंडस्ट्रियां बंद कराई। और जो इंडस्ट्रियां सुनो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, देखिए लोग जनता बोल रही है आप गलत। सब बच्चे नेट दे सर्च करना जानते हैं, मैं गिना रहा हूँ, गिनो इंडो गल्फ सबसे बड़ी आप कितना भी गिनाइए लेकिन नारा ये भी लग रहा है कि इतना वक्त मत गुजारो गुजरात में ताकि अमेठी भी निकल जाए। काशी क्योटो बना, गंगा मैया साफ हो गई, 2 करोड़ रोजगार मिले हर महीने में, 15 लाख खातों में आ गए, दाऊद आ गया, 10 सिर आ गया। मैं तो जल्दी से जवाब दीजिए फिर लोगों के पास। मैं आपको गिनाती हूँ कि 22 साल में क्या हुआ। इंडस्ट्रियल आउटपुट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग हब नंबर 1, गर्भवती महिला के लिए 6 महीना ये प्रदेश की सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है। जो आप बोले मुद्रा बैंकिंग में 76% लोन्स मिले तो महिलाओं को और गुजरात के लोगों को। आप बोलते हैं कि बड़े बड़े आंकड़े जो आप गिना रहे हैं, शायद कांग्रेस के 60 साल में ये 22 साल जितना काम हुआ वो नहीं हुआ। आज मोदी जी ने भी कहा है कि 60 सालों में आप लोगों ने जितना कुछ किया 10 साल मैंने गुजरात में कर दिया। चित्रा, एक आपसे अनुरोध है, उनको निर्बाध रूप से जैसे आप बोलने दे रही है मुझे भी थोड़ा बोलने दिया करें। नहीं नहीं, आप बार बार आरोप लगा दे रहे हैं मेरे ऊपर, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। आरोप लगाता हूँ तो आधार बताता हूँ। अच्छा, और मैं बिना तर्कों के बात करती हूँ। वाह भाई, यही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस ही खाली सत्य हरिश्चंद्र है। नहीं नहीं, तो अब मैं जिस आप जो कर रहे हो अपने आधार पे करो, मैं जो आधार गिना रहा हूँ आप भी तर्क दे रहे हैं, मैं भी तर्क दे रही हूँ। देखिए, 3 रुपए की बिजली माननीय मोदी जी की 22 वर्षों में 24 रुपए में क्यों खरीदी अपने 4 उद्योगपतियों से? उनको 62,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्यों कमवाया? कौन देगा हिसाब? राफेल 3 गुना पे कौन खरीदा? चले इसका जवाब जल्दी से, उसके बाद उसके बावजूद कोई ड्यूटी नहीं लगता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आज आप फार्मर्स को पूछिए तो गुजरात एकमात्र प्रदेश है जहां आपको अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी और कोई ड्यूटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आप जो जाने तो आज एक एक गाँव में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चलिए, वक्त हमारे पास इतना ही है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तो लगातार जारी रहेगा लेकिन गुजरात की जनता को तय करना है कि अब की बार किसके पक्ष में बहाएगी वो बयार। खेड़ा की नाडियाड से अभी के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बस इतना ही। कल इसी समय आप साबरकांठा से हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और 5 बजे से 6 बजे तक देखिएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।